आप देख सकते हैं CIA की टीम, जी हाँ CIA 2 की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है ताकि सीन ऑफ क्राइम को ज़रूर देखा जा सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं CIA 2 इंचार्ज मोहन लाल जो है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं ताकि सीन ऑफ क्राइम ज़रूर देख सके और क्या कुछ जो है लड़के ने किया, फिलहाल इसका ज़रूर जो है जाँच की जाएगी क्योंकि एक मर्डर करने के बाद वो किस तरह से अपने आप को चाकू मारता है, अपने परिवार में बताया जा रहा है चाकू मारने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं झूला गेट की ये तस्वीरें जहाँ पर CIA की टीम भी पहुंचने लगी है। जी हाँ CIA की टीम पहुंची है और साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि दिन दहाड़े एक मर्डर हो जाता है। अब ये मर्डर लूटपाट के लिए हुआ या फिर वो बच्चा ले जाने आया था तो क्या कुछ था, ये अपने आप में ही एक गहरा रहस्य है। फिलहाल लड़के को भी बताया जा रहा है कि जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा और फिलहाल आप देख सकते हैं कि CIA 2 से इंचार्ज पहुंचे। देख सकते हैं ये तस्वीरें झूला गेट करनाल से है जहाँ पर दिन दहाड़े एक मर्डर हो जाता है, एक बुजुर्ग महिला का मर्डर हो जाता है। बताया जा रहा है वो अपने घर में अकेली थी, उनके पास एक बच्चा था, वो लड़का या जो भी जो है उस बच्चे को शायद लेने की कोशिश करता है या लूटपाट के इरादे से उनके घर में पहुँचता है जिसके बाद उस महिला को चाकुओं से मारकर उस महिला का मर्डर कर देता है। फिलहाल पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर पहुँची है, CIA 2 से इंचार्ज मोहनलाल भी मौके पर पहुँचे और सबसे बड़ी बात जो है FSL टीम में भी मौके पर पहुंची और जरूरी साक जुटाए जाएंगे। और उससे बड़ी बात यह है कि वो लड़का उस महिला का मर्डर करने के बाद अपने घर जाता है, अपने घर जाकर अपने आप को भी चाकुओं से गोदता है, अपनी पत्नी को भी चाकुओं से मारने का प्रयास करता है। फिलहाल उसकी क्या कुछ मानसिकता है इस बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। तमाम टीमें पहुंच चुकी है और दिन दहाड़े एक मर्डर हो जाता है, सबसे बड़ी बात है करनाल का जो आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ बाजार है, दुकानें हैं, लोग रहते हैं, एक अच्छा खासा रिहायशी इलाका है जहाँ पर ये पूरी वारदात हो जाती है। लड़का बताया जा रहा है कि यही रहता है, वैसे वो बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और पानीपत से आज ही बताया जा रहा है वो लौटा है, उसके बाद चाकू चलाकर किस तरह से मर्डर कर देता है। पुलिस की तमाम टीमें हैं और ये वो गली है जहां पर आप देख सकते हैं कि जो CIA 2 से इंचार्ज हैं वो यहाँ पर जरूर पहुँचे हैं और परिवार से बातचीत करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जी हाँ ये करनाल से झूला गेट की तस्वीरें हैं जहाँ एक बुजुर्ग महिला, अब उनके साथ क्या कुछ हुआ इसकी कोई जानकारी है लेकिन उनको चाकुओं से गोदा गया और उनको मौके पर ही जो है वो मार जरूर दिया गया। फिलहाल अगर बात की जाए जो सदर थाना से टीम है वो भी पहुंची और जो परिवार के लोग हैं वो यहां पर जो है सीन ऑफ क्राइम ज़रूर दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम टीमें लगातार पहुंच रही हैं। FSL की टीम भी मौके पर ज़रूर पहुंची। अब CIA 2 से इंचार्ज मोहनलाल अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और ये वो गली है जहां पर महिला का मर्डर होता है और उसके बाद वो लड़का अपने घर जाता है और अपने घर जाकर वहाँ पर खुद को चाकुओं से मारता है, अपनी पत्नी पर भी चाकुओं से हमला करने की कोशिश करता है जिसके बाद लोगों को पता चलता है और कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का प्रयास किया गया और यहाँ पर तमाम जो है वो टीमें ज़रूर पहुंची। आप लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और करनाल में एक बड़ी जो है वारदात जो है वो सामने ज़रूर आई है और सबसे बड़ी बात है कि अभी फ़िलहाल इस बात की जांच की जाएगी आखिर उस लड़के की क्या कुछ जो है मानसिकता थी जो उसने इस तरह का कदम उठाया और उस महिला के घर तक वो कैसे पहुँचता है। यहाँ पर जो है उस लड़के की गली है जहाँ वो रहता है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वहाँ पर उस महिला का घर है, उस महिला का घर है जहाँ पर जो है ये पूरी वारदात होती है, उसके बाद वो अपने घर आता है और अपने घर आकर भी खुद को चाकू से मारने का प्रयास करता है। भाऊजी कुछ कहना चाहते हो, आपने देखा था कुछ? सर पूरी जानकारी निकाली जाए इसके बारे में, इस आदमी को मतलब फटाफट उठाया जाए, नहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ पब्लिक बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में देख सकते हैं एक बड़ा ही खतरनाक वाक्य जरूर सामने आया और सबसे बड़ी बात है कि महिला का जो है वो मर्डर होता है, उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि CIA, जी हाँ CIA की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं और FSL की टीम भी पहले ही मौके पर पहुंची थी और यहाँ पर महिला का घर है। अब बच्चा छीनना चाह रहा था वो युवक या फिर लूटपाट करना चाह रहा था, ये अपने आप में ही समझने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात पूरे घर में खून ही खून है, बड़ी ही बहरेनी से चाकुओं से वार जो है वो किया गया है। तमाम परिवार के लोगों में मातम का माहौल है, आप अपने आप में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से एक महिला को मौत के घाट उतार दिया उस लड़के ने। लेकिन उसकी क्या कुछ मानसिकता है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि और अगर बात की जाए अंदर तक, जी हाँ घर के अंदर तक जो है इस तरह का माहौल है, अपने आप में डरावना माहौल है क्योंकि ये CM सिटी करनाल का ऐसा इलाका है जहाँ बाजार बिल्कुल पास में लगता है और लोगों की आवाजाही बनी रहती है। उस इलाके में
इस तरह की वारदात जो है वो सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, परिवार में महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, सब जो है अपने आप में रो रो कर बुरा हाल है। परिवार से लोग यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं, तमाम रिश्तेदार पहुँचे हुए हैं, तो एक बार जो है उनसे ज़रूर बातचीत कर लेंगे कि क्या कुछ जो है वो महिला कहना चाहती है। फैमिली को प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी बच्ची को किडनैप करने की कोशिश की गई है, दिन दहाड़े लूट करने की कोशिश की गई है, एक बच्चा गया, एक बंदा गया, क्या तरीका है, हमारे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की है, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, बस सरकार से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। आप हमारी दीदी वापिस ला देंगे क्या? ला देंगे? हमें सिर्फ सरकार से यही हाथ जोड़कर न्याय है, अगर इस देश में अगर कुछ बचा हुआ तो। अभी तक कभी दहेज, कभी कुछ, ये सब तो आए दिन सुनते थे, लेकिन अब आए दिन ये घर में घुस घुस के ये सब भी होने लग गया है। बड़े शहरों में सुना था, फ्लैटों में, यहाँ बीच बाजार के अंदर हमें न्याय चाहिए, हमारी फैमिली का पूरा परिवार कहीं ना कहीं डरा हुआ है। जी हाँ, पूरा परिवार डरा हुआ है, क्योंकि बच्चे को उठाने की कोशिश जरूर की गई है, पूरे परिवार डरा हुआ है, अपने आप में घर के अंदर डरावना माहौल है, पूरे घर में खून ही खून है। और वो व्यक्ति है किस तरह से चाकुओं से हमला कर महिला को मौत के घाट उतार देता है, और उसके बाद अपने घर जाकर अपने आप को भी चाकुओं से गोदने का प्रयास करता है। फिलहाल तमाम टीमें पहुंच चुकी है, जाँच पूरी जरूर की जाएगी कि क्या कुछ जो है कहना जो है परिवार के लोग चाहते हैं, और न्याय मांगते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शायद उस बच्चे को जो है वो ले जाना चाहता था, या बच्चे को खींचने का जो उसने प्रयास किया, जिसके बाद हो सकता है उस बुजुर्ग महिला ने बचाने की कोशिश की हो, जिसके चलते उस उन पर जो है चाकुओं से हमला कर दिया। तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, और सबसे बड़ी बात FSL सदर थाना से SHO CIA से टीमें पहुंच चुकी हैं, तो अपने आप में एक बड़ा जो है वो मैटर है। दिन दहाड़े जो है हत्या हो जाती है, आप गली देख सकते हैं कि यहाँ पर आया, चारों तरफ घर है, और इतना बड़ा वाक्य सामने आता है दिन दहाड़े। आप लोगों से अपील रहेगी, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करते रहें। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से, करनाल के जुंडला गेट से आपको दिखा रहे हैं। मैं आरती राणा से, होगी अमन ग्रोवर के साथ, करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।